हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम फिर एक मेजर क्रॉप के मेजर पेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे मेज मेज क्रॉप के एक मेजर पेस्ट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसका नाम है स्टिम बोरर, मेज स्टिम बोरर इसका पूरा नाम है। और इसका हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक नेम से। और इसका साइंटिफिक नेम है काइलो पार्टेलस, और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है, और फैमिली क्रैम्बिडी में आता है। इससे पहले भी हमने कॉटन के और राइस के कुछ मेजर पेस्ट के बारे में डिस्कस करके मैंने वीडियो डाल दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और अब मेज के बारे में, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है सबको पता ही है। तो जहाँ जहाँ मेज ग्रो होगा वहाँ वहाँ इस पेस्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, पाई जाएगा वहाँ पे। तो बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, सूडान, नेपाल, बांग्लादेश एंड थाईलैंड, ये मेजर कंट्री है जहाँ पे मेज ग्रो होता है, और ये पेस्ट का पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद ये होस्ट रेंज में देखेंगे मेज, सोरगुम, सुगर कैन, बाजरा, सोरगुम फिंगर मिलेट, ईटीसी, इन सब क्रॉप में ये सर्वाइव करता है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, हम अगर हमें मेज स्टीम बोरर को पहचानना है फील्ड में, तो हम कैसे पहचानेंगे इसको, क्या क्या कैरेक्टर है इसको पहचानने के लिए? तो फर्स्ट में दोस्तों, द एडल्ट मोथ इज मीडियम इन साइज एंड स्ट्रॉ कलर। इसकी जो मोथ है, मोथ जो एडल्ट है उसको मोथ बोलते हैं। तो उसकी जो साइज है वो मीडियम साइज की होगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, इसका साइज मीडियम होगा। और ये इसकी कलर कैसी होगी? स्ट्रॉ कलर की होगी। अगर स्ट्रॉ कलर की कोई हमें वहाँ पे मोथ देख गई मेज के फील्ड में, तो हमें मतलब अंदाजा लगाना होगा कि ये मेज स्टीम बोरर है। और उसके बाद इसकी विंग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो फोर विंग्स है वो क्या होंगे? लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन टू स्ट्रॉ कलर के होंगे। जो फोर विंग्स है, जो ऊपर वाले विंग्स है वो लाइट ब्राउन, हल्के ब्राउन और स्ट्रॉ कलर के होंगे। और जो हैंड विंग्स है वो व्हाइट एंड पेपरी कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। इसकी ये हो गई इसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर। अब हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल जानना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में भी मतलब ऐसे पूछ सकता है 5 मार्क्स में कि इस मेज स्टीम बोरर की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करो ऐसा करके। तो इसकी लाइफ साइकिल में हम देखेंगे, जो फीमेल है वो एग लेइंग करेगा। तो फीमेल लेज अबाउट 300 स्केल लाइक फ्लैट ओवल लीक्स इन पैचेज ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीफ नियर द मिडरिब। जो फीमेल है वो 300 स्केल लाइक फ्लैट ओवल एग्स लेइंग करेगा। ये एग लेइंग कहाँ पे करेगा? जो लीफ के अंडर सर्फेस में, कहाँ पे? जो मिडरिब के नजदीक है ये एग लेइंग करेगा। अंडर सर्फेस ऑफ द लीफ नियर द मिडरिब, ये मतलब याद रखना कहाँ पे एग लेइंग करेगा। ये 300 अबाउट 300 एग लेइंग करेगा। जो एग के साइज होंगे वो क्या होंगे? ओवल एग होंगे, मतलब जो शेप है वो ओवल होंगे, फ्लैट ओवल शेप के होंगे। और अंडर सरफेस ऑफ द लीफ में नियर द मिडरिब, मिडरिब के नज़दीक ये एग लेइंग करेगा ये वाला पेस्ट। और इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 डेज। एक पीरियड कितना होगा? 2 से 5 दिन के बाद एक क्या होगा? हैचिंग होगा। उसके बाद लार्वा आएगा। लार्वा येल्लोइश ब्राउन कलर का होगा विथ अ ब्राउन हेड। ब्राउन उसकी येल्लोइश ब्राउन कलर का उसका बॉडी होगा पूरा, और जो हेड है वो ब्राउन कलर का होगा लार्वा का। इन द प्रोथोरेक्स सील्ड मेजर अबाउट 25 mm लॉन्ग। इसका जो लार्वा है प्रोथोरेक्स सील्ड, मतलब जो प्रोनोटम है वो 25 mm लॉन्ग होगा, हेड के थोड़ा पीछे होता है ये। जो द लार्वा पीरियड इज 28 to 50 डेज विथ 7 इंस्टार। जो लार्वा पीरियड है उसका, इसका कितना होगा? 28 to 50 डेज इसका लार्वा पीरियड होगा। ये डैमेजिंग स्टेज है तो ज़्यादा है इसका, बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। और 7 इंस्टार होने के बाद ये क्या होगा? प्यूपा होगा। प्यूपा तो रेस्टिंग स्टेज है, सबको पता ही है। जो प्यूपा है कहाँ पाएगा, कहाँ पे रेस्ट करेगा? ये इनसाइड द स्टीम एंड इमर्जेंस इन 7 to 10 डेज। ये जो स्टीम बोरर है, तो बोर करके लार्वा क्या होगा? अंदर जाएगा, तो प्यूपा
भी वहीं पे रेस्ट करेगा। लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, तो स्टीम के अंदर ही, मेज के जो स्टीम है उसके अंदर ही प्यूपा का रेस्टिंग पीरियड होगा और 7 से 10 दिन तक होगा। और इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कितने दिन में कंप्लीट होगी, 30 to 40 days में इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी इस पेस्ट के। और जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट है उनका जो मेटामॉर्फोसिस है वो भी कंप्लीट होगा। ये रहा इसका लाइफ साइकिल। और हम इसके डैमेजिंग सिम्टम के बारे में देखेंगे, डैमेज सिम्टम। और एक बात तो पता चल गया कि इसका डैमेजिंग स्टेज क्या है, लार्वा कैटरपिलर जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के उसके डैमेजिंग स्टेज को हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। और देखेंगे अब किस तरह से ये डैमेज करता है। इट इन्फेस्ट द क्रॉप अ मंथ आफ्टर सोइंग एंड द डैमेज परसिस्ट अप टू इमर्जेंस ऑफ द ईयर हेड। ये क्रॉप सोइंग करने से एक महीने के अंदर ही अंदर ये क्या करना शुरू करेगा, डैमेज करना शुरू करेगा क्रॉप को। और कब तक डैमेज करेगा, जब तक ईयर हेड इमर्जेंस नहीं होगा तब तक ये डैमेज करेगा क्रॉप को। सेंट्रल शूटिंग विद रिंग लीडिंग टू डेड हार्ट इन इज द टिपिकल डैमेज सिम्टम। इसका जो मेजर डैमेजिंग सिम्टम है वो क्या है, डेड हार्ट। डेड हार्ट मतलब जो ऊपर अपर वाला ये क्या करेगा, अंदर का पूरा ये स्टीम बोरर है ना, तो बोर करके अंदर का पूरा जो जो अंदर है स्टीम के अंदर जो जितने भी है वो सब खाएगा ये। तो खाने के बाद क्या होगा, पूरा खाली होगा, खाली होगा तो ऊपर वाले मतलब टेंडर सूट जो है वो सूख जाएगा पूरा। तो ऐसे मतलब पुल आउट करने में भी वो हाथ में आएगा, पूरा पूरा उसको सुखा देगा ऊपर वाला। तो उसको क्या बोलते हैं, डेड हार्ट सिम्टम बोलते हैं। और इसका मेजर सिम्टम है इसका स्टीम बोरर, इस मतलब डेड हार्ट सिम्टम कर देगा। उसके बाद है बोर होल्स आर विजिबल ऑन द स्टीम नियर द नोड्स। ये छेद करके अंदर जाएगा, उसके बाद जहाँ से छेद किया वहाँ के नोड्स के नियर में क्या होगा, छेद छेद आपको दिखाई देगा मेज में। तो यंग लार्वा क्रॉल्स एंड फीड द टेंडर फोल्डेड लीव्स कॉजिंग टिपिकल शॉर्ट होल सिम्टम। शॉर्ट होल सिम्टम वही है जो छेद छेद दिखाई देगा आपको, वहाँ पे शॉर्ट होल सिम्टम भी है। डेड हार्ट सिम्टम, शॉर्ट होल सिम्टम और बोर होल सिम्टम इसके मेजर सिम्टम है। उसके बाद अफेक्टेड पार्ट ऑफ स्टीम में सो इंटरनली टनलिंग कैटरपिलर, टनल जैसा बना के वो कैटरपिलर अंदर जाएगा, लार्वा जो है वो अंदर जाएगा तो उसमें थोड़ा टनलिंग सा भी दिख जाएगा आप लोगों को। ये तो डैमेज सिम्टम के बारे में पढ़ लिया हमने। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, मेज का ये मेजर पेस्ट है, अगर ये आ गया फील्ड में तो इसकी पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा होगी तो पूरा डैमेज कर देगा फील्ड को। तो इसको मैनेज कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, तो फर्स्ट में पहले तो हम कल्चर प्रैक्टिस से जाएंगे, उसके बाद अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो हम केमिकल का मतलब स्प्रे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं द स्टेबल शुड बी प्लो अप ड्यूरिंग विंटर एंड बर्न डिस्ट्रॉय द हाइबरनेटिंग लार्वा। जो लार्वा अंदर हाइबरनेट कर रही होगी उसको हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो विंटर में प्लो करेंगे, शुड बी प्लो अप ड्यूरिंग विंटर एंड जो डिस्ट्रॉय मतलब जो डैमेजिंग पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ताकि उससे और प्लांट इन्फेक्ट ना हो, इसीलिए हम उसको बर्न कर देंगे। और ग्रो रेजिस्टेंट कल्टीवार लाइक E302, E303 ये इसके रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसका ग्रो करेंगे ताकि ये पेस्ट मेज क्रॉप को डैमेज कर ना सके, वहाँ पे आ ही ना सके। और डेड हार्ट शुड बी पुल्ड आउट एंड यूज अ फोल्डर और बरीड इन अ मैनर पेट। जो डेड हार्ट सिम्टम दिखा वो तो पूरा सूखा होगा, पूरा स्ट्रॉ कलर का बना होगा वहाँ पे पूरा सूख के, तो उसको हम पुल्ड करके निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उसको फोल्डर के लिए या फिर मैन्यूर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है ये इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं हम, 4:1 ratio में ये हाइसिंथ बीन के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ताकि उसके डैमेज कम हो जाए। और उसके बाद है लाइट ट्रैप का भी हम सेटअप कर सकते हैं, कब, टिल मिडनाइट टू अटैक एंड किल द स्टीम बोरर मोथ। अटैक जो स्टीम बोरर के मोथ है उनको किल करने के लिए हम लाइट ट्रैप का भी सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल हम करेंगे, जिस बायो कंट्रोल जो
एक पैरासिटोइड और लार्वल पैरासिटोइड को हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। जैसे एक पैरासिटोइड में ट्राइकोडर्मा काइलिनिस और लार्वल पैरासिटोइड भी हम रिलीज कर देंगे, ताकि ये जो हमने रिलीज किया है पैरासिटोइड, ये पूरा उसका एग और लार्वा को खा जाएगा, फीड करेगा, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। इसलिए हम इसके इसके थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं इस पेस्ट का। और लास्ट में है केमिकल कंट्रोल। मिक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड विथ सैंड टू मेक अप द टोटल क्वांटिटी ऑफ 50 kg एंड अप्लाई इन द लीफ होल। जैसे केमिकल दिए, मतलब दिया गया है यहाँ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, फोरेट और कार्बोफुरान, इसके रिकमेंडेड डोज के थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। सो गाइज, ये रहा आज का वीडियो। मेज स्टीम बोरर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है, सबको पता है ये तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। तो इसका अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूले।